नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप, मैं आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ। जस्ट अभी मैं आपको प्रमोद सर से मिलाने जा रहा हूँ। अभी आप जो कैमरे के सामने जो चीज़ देख रहे हो, शायद आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो चलो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रमोद सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर हमारे यूट्यूब चैनल है और जो हमारे दर्शक है, आज मैंने यहाँ से यहाँ पे जो आपने बोला कि कुछ यूनिक तरह का कुछ टेक्निकली फार्मिंग किया जाता है, ये जो आपने बताया है, मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज बोलने के बाद जो दर्शक है हमारे ये बिलीव नहीं कर पाएगा, तो आप ही के मुंह से हम सुनते हैं। अभी जैसे आप मुझे बताइए, ये जो टेक्निकली आपने जो करके रखा है, ये सिस्टम क्या है? सर ये जो टेक्नोलॉजी है, मिस्टर प्रशांत धाड़े सर है, इन्होंने 4 साल से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। इन्होंने पहले अपने खुद पे ट्रायल किया, फिर इन्होंने सेलम में भी इस तरीके का खेती लीज पे लेके ट्रायल किया है और 2 साल से ये प्रकल्प स्टार्ट है। अभी 90 प्रोजेक्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्टार्ट होने जा रहे हैं, आने वाले 15-20 दिन 1 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे। ये वर्टिकल टाइप का खेती है, यहाँ पे आपने देखा होगा 11 लेयर है, नीचे से लेके टोटल 11 लेयर में खेती की जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, 100 एकड़ का आमदनी 1 एकड़ में किस तरीके से लिया जा सकता है, 100 एकड़ का इनकम 1 एकड़ में, 1 एकड़ ये हल्दी का फार्मिंग है ना? हल्दी का, टोटल हल्दी का फार्मिंग है। हल्दी क्यों लिया है? क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसर है, एंटीबायोटिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है हल्दी का लाइफ 4 साल का होता है और हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत बड़ा मान दिया गया है। 1 एकड़ में तकरीबन 6,33,000 पौधे लगते हैं जी, और ये हल्दी का पौधा इस तरीके से डेवलप किया जाता है, किया गया है। ये हल्दी का पौधा 1.5 से 2 किलो हल्दी देता है, एक पौधा, एक प्लांट्स। हमने अगर एवरेज निकाला, बोलो हमने बोले। अगर एवरेज निकाला तो 6,33,000 इंटू अगर 1.5 लाख करते हो जी, तो आंसर आता है 9,45,000 केजी। उसमें से 70% हल्दी पानी रहता है, सूखने के बाद सिर्फ 30% मिलता है, तो आंसर मिलेगा 2.5 लाख केजी हल्दी। 100 रुपीज भी अगर हम भाव पकड़ते हैं तो 2.5 करोड़ का आमदनी 1 एकड़ के अंदर हो जाता है। इसी तरीके से देखो, ये टोटल 11 लेयर का है, यहाँ पे आपने अगर देखा टोटल 11 का पौधे एक जैसे डेवलप हुए हैं, राइट? अगर आपने देखा होगा तो जी, बराबर है। आइए, यहाँ पे कंपनी अलग अलग तरीके से प्रयोग करते जा रही है जी। एक थैली के अंदर कितने पौधे लगे देखिए, कम से कम 25-30 पौधे एक थैली के अंदर लगे। एक मिनट आपकी वॉइस उधर जा रही है, देखें एक थैली के अंदर जी। और पानी का ड्रम हर किसी के घर में रहता है जी, तो पानी का ड्रम सामने देखिए, इसमें 72 पौधे लगाए गए हैं। ओके, यानी किस तरीके से कम जगह में ज्यादा पौधे मैनेजमेंट और हम ज्यादा उत्पाद ले सकते हैं। प्रमोशन, मेरा और एक क्वेश्चन था, अभी इसके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है एक्चुअली पौधा लगाते हैं? इसमें जो मिट्टी रहती है, ये जो टोटल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती की जाती है, इसमें माटी परीक्षण किया जाता है, माटी में जो भी चीजें कमी रहती है वो पूर्तता की जाती है। इसमें सेंद्रीय खत डाला जाता है और कोकोपीट डाला जाता है जी, और इसको जो पानी दिया जाता है वो भी आरओ का पानी दिया जाता है, 7 PH का पानी। ओके, प्यूरीफायर वाला। और जो भी फार्मर हल्दी का उत्पादन लेता है उसको कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं जी, ये क्रॉप 9 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। ओके तो इस कंपनी का विजन क्या है किसानों के लिए? सर इस कंपनी का विजन ऐसा है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर 10,000 एकड़ फार्मर तक पहुंचना है कंपनी को जी, और ये टेक्नोलॉजी गांव-गांव में कंपनी को देना है जी, ताकि जिस तरीके से फार्मर को उत्पादन में डेवलप हो जी। आज फार्मर को पता है कि नेट शेड में हम अच्छे तरह से आमदनी ले सकते हैं, लेकिन फार्मर डेयरिंग नहीं कर पा रहा है, राइट? तो इस तरीके से फार्मर डेयरिंग कर पाएंगे। ओके, तो एक मिनट किसान भाई, देखो मैंने आपके लिए अभी जो टेक्निक मैंने शूट की है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे देखो क्या है कि बहुत सारे किसान भाई मुझे मीन्स कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर नंबर दीजिए, कॉन्टेक्ट दीजिए, हम किससे बात करें इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो प्रमोद सर एक काम करिए ना, आप तो पहले यहाँ के लोकेशन का एड्रेस इस पे शेयर कर दीजिए। ये घोटी से नजदीक है 2 किलोमीटर जी, घोटी के किसी को भी पूछेंगे तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, नासिक घोटी। ओके, और ये जो हल्दी निकलते हैं इसका फिर सेलिंग का वो क्या मसला होता है? कंपनी खुद एक्सपोर्ट करती है। ओके, तो बायबैक एग्रीमेंट भी करती है। हाँ, तो इनका कुछ गूगल पे कुछ साइट होगा ना? नहीं, इनका वेबसाइट पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, वेबसाइट जो भी रहेगा मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कंपनी का वेबसाइट वगैरह जो भी कुछ एड्रेस होगा, मुझे जो भी कुछ डिटेल मिलती है ये मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी नए सिरे से पूरा प्लानिंग हो रहा है और इस साइड पौध तैयार कर रहे हैं क्या, इस साइड? ओके,
तो प्रमोद सर बताए ना, अभी ये जो टंकी है या फिर ये जो सिस्टम है इसके अंदर सीड लगाया जाता है या पौध लगाया जाता है? नहीं, सीड सीड लगाया जाता है। और इसको फिर ग्रो करने के लिए जो फर्टिलाइजर देते हैं वो केमिकल होता है ऑर्गेनिक होता है? नहीं, 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में हमारे किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्या कौन सी चीज इसमें यूज करनी चाहिए? सर वो इतना डिटेल तो मुझे पता नहीं सर। ओके चलो ठीक है, यानी ऑर्गेनिक के अंदर आप जैसे कि स्लरी वगैरह हो गया या फिर जीवामृत वगैरह? अलग टेक्नोलॉजी, अलग ही है, अलग ही टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ का है एक बता दीजिए, ये पूरा टेक्नोलॉजी कहाँ का? इजराइल बेस है। इजराइल का है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।